नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे, कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े चार हजार सेंटर देश भर में होती है, अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है, खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया, उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए, पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको जो उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका जो
संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो तीन प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगा। जिसकी वजह से बच्चों को सीबीआई जांच की ओपोजिशन मांग कर रहा है।